नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप श्री गौला नड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सर दोस्तों, आप श्री जानते किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी सूचना होती है आप श्री गौला नड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है, उसी को हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम व्यक्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक और बंपर भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा UPSC सहायक अभियंता के बारे में, सैकड़ों पदों पर जल्द जो भर्ती का विज्ञापन है वो आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करें PWD आवास विकास और साथ में परिषद समेत कई विभागों में जो काम है वो तेज हो चुका है। सरकारी विभागों की अगर बात की जाए, सहायक अभियंता के सैकड़ों पद खाली हैं। ज़्यादातर विभाग की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदों के अध्याचन भेज चुके हैं। हालांकि आयोग ने रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है और ना ही अभी संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अंदर इसकी जानकारी दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्दी सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करेगा। पिछले दो साल से अगर बात करें, 2019 में जारी किया गया था, अभ्यर्थियों को अब रिक्त पदों की भर्ती शुरू करने का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने अगर बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ विभागों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। लोक निर्माण विभाग, जिसके बारे में PWD की हम बात करते हैं, साथ ही अगर बात करें विभाग में सहायक अभियंता के 2020 और 21 के 144 पद हैं, तो ऐसे में इसका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है TGT PGT 2021 के बारे में। कल देर शाम को आकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि TGT PGT 2021 की परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी देखेंगे TGT PGT परीक्षा तिथि की अगर बात करें, शीघ्र घोषित किए जाने को लेकर मांग की जा रही है। युवा मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, साथ ही मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करे। और पदाधिकारियों का कहना है कि बोर्ड वर्ष की अगर बात करें, 2016 की भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं की है। 5 साल बाद भी नया विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों के माध्यम से लगातार जो मांगे वो की जा रही है। उसी क्रम में अनिल सिंह के माध्यम से पत्र भेजकर यहाँ पे जो मांगे वो की गई कि अगस्त सितंबर तक परीक्षा का जो आयोजन है वो करवा दिया जाए। तो ऐसे में TGT PGT 2021 को लेकर भी जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पर इस परीक्षा का जो आयोजन है वो अगस्त और सितंबर के बीच में आपको देखने के लिए मिले। हालाँकि इससे पहले भी जानकारी चयन बोर्ड ने दी थी कि इस परीक्षा की तैयारी अगस्त के अंतिम सप्ताह हो रही है, लेकिन कब तक होगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में 2016 की भर्ती यहाँ पर लटकी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, 2021 की भर्ती परीक्षा को लेकर अगर तैयारी नहीं होती है तो आगामी समय में चुनाव आ जाएगा और तदर्थ शिक्षक भी इसको लेकर लगातार लटकाने का प्रयास करते हैं। तो TGT PGT 2021 का पूरा एग्जाम कैलेंडर की जो मांग है वो की जा रही है और साथ में इस परीक्षा को लेकर अगस्त सितंबर में कराने की तैयारियाँ भी हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगी सभी परीक्षाएं। छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर इन सभी नियमों का पालन करना होगा। किस प्रकार परीक्षाएं करवाई जाएंगी, क्योंकि कई परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि आप सभी देखेंगे, अगर हम बात करें ICAI के माध्यम से परीक्षाओं को जुलाई में आयोजन कराने की तैयारियाँ हैं। ऑफलाइन परीक्षार्थियों के लिए अगर बात करें, ICAI के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की परीक्षा अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों के फेस मास्क लगाकर रखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि फेस मास्क केवल व्यक्तिगत पहचान बताने के लिए उपस्थिति और साथ में रजिस्टर पर सिग्नेचर करते समय ही हटा सकेंगे, इसके अलावा हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मास्क खराब होने की अगर बात करें, वह कक्षा निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उनके माध्यम से और भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के चेहरे पर मास्क या फिर फेस शील्ड, दस्ताने, पारदर्शी पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप मास्क लगा रहे हैं या फिर फेस शील्ड लेकर के जा रहे हैं या दस्ताने पा करके जाते हैं या फिर आप ऐसे में पारदर्शी पानी की बोतलें लेकर के जाते हैं, तो ऐसे में आप सभी से कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर साथ में परीक्षा से संबंधित दस्तावेज आप सभी लेकर के जा सकते हैं। उन्हें कोविड के नियमों की सख्ती से पालन करना होगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय अगर हम बात करें, केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचने के लिए और सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर यहाँ पर जो नियम वो दिए गए हैं, तो ऐसे में आगामी समय के अंदर लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर आप सभी को इसी प्रकार की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि SSC के माध्यम से भी ये किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाएँ, शिक्षक भर्ती,
या फिर इसके अलावा जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उनमें कोई भी लक्षण नहीं है कोविड-19 का, बीमारी से पीड़ित नहीं है। ऐसे परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग का और साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। निर्धारित सीमा से अधिक शरीर का तापमान है तो परीक्षार्थी को अन्य पदाधिकारियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा शुरू होने से पहले बैठने की जगह सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। परीक्षा कक्ष में सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में दो सीटों के बीच में पर्याप्त अंतर होगा। वहीं सभी परीक्षा कर्मचारियों को कहा गया है कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नो रिस्क स्टेटस रखेंगे। तो ये तो बात हो जाती है परीक्षाओं के बारे में, साथ में उनके नियम को लेकर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जुलाई में कराएगा भर्तियाँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आयोग की बैठक बुलाकर जल्द इसको लेकर जो संशोधित कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। प्रतियोगी ने यहाँ पे जो मांगे वो तेज़ कर दी कि पुरानी भर्ती के रिक्त पदों को भरने को लेकर जल्दी से तैयारियाँ शुरू की जाएँ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोरोना काल में रुकी भर्तियों को जुलाई में शुरू करने को लेकर निर्णय लिया है। प्राचार्य पद के अभ्यर्थी साक्षात्कार, साथ में अगर बात करें शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही इसके मद्देनजर सप्ताह भर में आयोग बैठक बुलाकर समस्त पहलुओं की चर्चाएं की जाएंगी और बैठक में साक्षात्कार को लेकर लिखित परीक्षा की नई तारीखें तय की जाएंगी। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमों के विपरीत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में हम समझने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं कि सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के अंदर विज्ञापन संख्या 49 के जो यहाँ पर इंटरव्यू होने थे उनको लेकर आगे की कार्यवाही जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर 2003 पदों की लिखित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी, जिसको लेकर जल्द आप सभी को जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बारे में आगामी अगले हफ्ते एक बैठक होगी और बैठक में परीक्षाओं की तारीखों को लेकर फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 68,500 की 22,000 सीटों के बारे में। लगातार घमासान जारी है। इन 22,000 सीटों को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। दो मांगें की जा रही है। पहली मांग तो हमेशा से देखने के लिए मिली है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थियों को 22,000 सीटों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएं। पहली मांग ये है। इसके अलावा दूसरी मांग ये भी देखने के लिए मिल रही है कि 68,500 के अंदर सरकार ने जो 30-33 को हटा दिया था, 40-45 लगा दिया था, तो ऐसे में जो 30-33 पर अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनसे अभ्यर्थियों से यहाँ पे कहने की 68,500 भर्ती को पूरा किया जाए। अब किसको ये मामला क्लियर होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के मामले हाई कोर्ट तक गए थे, डबल बेंच तक गए थे और वहाँ से दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, है ना। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पे मामला ये है कि वहाँ 30-33 वाले अभ्यर्थी हैं और यहाँ पे 60-65 वाले क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। उसी को लेकर आज की तारीख में SERT पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। छात्रों का कहना है कि आज की तारीख में जाकर SERT पर एक बड़ा संख्या में धरना प्रदर्शन रखा जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों को यहाँ पर 30-33 वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि 14 जून 2021 को सुबह 11 बजे से SERT पर बड़ा धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब ऐसे में किसके खाते में सीटें जाएंगी, सरकार पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि सरकार ना तो 69,000 वाले छात्रों की सुन रही है और ना ही 68,500 वाले के बारे में कुछ कहा है। ऐसे में अगर हम समझें कि 69,000 वाले छात्रों के माध्यम से 21 तारीख को भी धमाका करने की तैयारियाँ हैं, दोनों छात्रों के माध्यम से लगातार प्रयास हैं कि इन सीटों को भर्ती में जुड़वा कर नियुक्ति पत्र दिए जाए, जिसको लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मांग रखी जा रही है। अब ऐसे में 68,500 पे क्या होगा, इसका फैसला तो आपको आज देर शाम तक ही देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी जो भी अभ्यर्थी 69,000 की थर्ड लिस्ट का इंतजार करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। उम्मीद है कि इस हफ्ते आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जो जानकारी है वो दी जा रही है कि 15 तारीख के बाद आप सभी का जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में पेशेंस रखें, आज इंतजार करें, जो भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। हालाँकि पिछले 2 दिनों से कोई अपडेट नहीं निकली है, लेकिन जो जानकारी मिली थी वो 15 जून के बाद की थी, इस वजह से भी कोई अपडेट देखने के लिए नहीं मिली। तो ऐसे में अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं की जाएगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है यूपी बोर्ड के माध्यम से। जैसा कि आप सभी यहाँ देखेंगे, मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, ऐसा कहना यूपी बोर्ड के माध्यम से। हालांकि अंक को सुधार को लेकर यहाँ पर जो मौका है वो दिया जाएगा।
हाई स्कूल इंटर परीक्षार्थियों की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। स्थिति सामान्य होने पर इन बच्चों को अंक सुधार का अवसर दिया जाएगा। यही नहीं, परीक्षा फल तैयार करने की विस्तृत नियमावली बनाई जाएगी। इससे बच्चे व उनके अभिभावकों को जल्द अवगत कराया जाएगा। सीएम योगी ने रविवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी के कारण इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अब परीक्षा फल तैयार करने को लेकर नियमावली जल्द तय कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में सुविधा अनुसार ऑफलाइन परीक्षा कराई जानी की चाहिए और साथ में उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त तक रिजल्ट यहाँ पर, और साथ ही अगर बात करें सितंबर तक दूसरे पखवाड़े में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ऐसे में इस बार यूपी बोर्ड के अंदर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।